खुद यही ये वाला आइटम हो सकते हैं आई बगलिया है। हां कल ये काऊ कहां है? कहां है? जैसे कहवा तोरे से वैसे वैसे कर। हम कहे 3 साल से काऊ पर थे। चाचा जय श्री राम। कोषाध्यक्ष काम करते हैं बढ़िया से। ये क्या हो रहा है आप देख सकते हैं, आप देख भी रहे हैं कि रुद्राक्ष जन कल्याण फाउंडेशन के द्वारा सड़क की मरम्मत कराई जा रही है। ऐसा क्यों कराया जा रहा होगा सर, क्या आप बताएंगे? ये सड़क जो है, ये जो आप खुदाई कर रहे हैं, क्या प्रधान जी आपके यहाँ एक्टिव नहीं है? एक्टिव मतलब ये कई बार कहा गया लेकिन उस पर कोई एक्शन लिए नहीं। तो ये आपका जो फाउंडेशन है ये एक्शन ले रही है, क्या इसको कहीं से फंडिंग मिल रही है? बिल्कुल, अभी तो कुछ कहीं से फंडिंग नहीं मिल रही है, लेकिन हमारा जो है फाउंडेशन का नाम ही रुद्राक्ष जन कल्याण फाउंडेशन है, जन कल्याण के लिए ही बनाया गया है। मतलब आप लोग खुद अपने परिश्रम से इस कार्य को कार्यान्वित कर रहे हैं? बिल्कुल, हमारी टीम इतनी लंबी है कि हम अपने टीम के द्वारा खुद ही जो है छोटी छोटी कार्यों को कर सकते हैं और उसमें फंडिंग। आप सब भाइयों को मैं बताना चाहूँगा, ऐसे ही रुद्राक्ष जन कल्याण फाउंडेशन की तरह हर गांव में एक फाउंडेशन होना चाहिए, जहां लोग ये कहते हैं कि प्रधान जी ये नहीं किए वो नहीं किए, वहां ऐसे ही फाउंडेशन हो। और ऐसे फाउंडेशन होने के बाद प्रधान जी की विशेष ज़रूरत नहीं है, लोग अपने ही श्रम से, देखो किस तरीके से ये लोग जुटे हुए हैं, यहाँ पर अपना सड़क का निर्माण कर रहे हैं, इनको पता है ये परेशानियों को भांप रहे हैं, ये जान रहे हैं कि जीवन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए ये लोग खुद ही अपने फाउंडेशन की तरफ से जुट गए हैं। यहाँ सड़कें काफ़ी गड्ढे की तरह हो गई थी, गाड़ियाँ भी नहीं यहाँ जा रही थी, साइकिल बच्चे कुछ भी आते जाते हैं तो गिरने का बहुत ज़्यादा चांस था, वो अपना जान भी खो सकते थे, इसलिए ये फाउंडेशन यहाँ पर आकर अब सड़क का निर्माण कर रहा है। आप देख सकते हैं ये दो तरह से बहुत भाइयों, आप लोग अपना फीडबैक दीजिए, क्या ऐसे फाउंडेशन हर गांव में हर ग्राम सभा में होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? आप अपना फीडबैक इसमें जरूर दीजिएगा। जी जी जी। तो सर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ जी, ये यहाँ पर आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर गड्ढे हैं और आपको ये कार्य करना चाहिए? जी हमारे यहाँ मीडिया भी है, हमारे फाउंडेशन की मीडिया जो कि रुद्राक्ष जन कल्याण फाउंडेशन जो चल रहा है उसमें हमारी मीडिया बहुत एक्टिव है, और हमारे जो फाउंडेशन के निरीक्षक हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, उन्होंने भ्रमण करते हुए देखा कि ये टर्निंग पॉइंट पे है एकदम, ये हमेशा जो है इतनी बड़ी गड्ढा है कि हमेशा एक्सीडेंट को बुलावा दे रही है। अच्छा अच्छा, कितने लोग, कोई कोई गिर भी गया था सुने हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ी हादसा होने से बच गया लेकिन कोई क्षति किसी को नहीं पहुंची। हाँ, धूस पूरा रगड़ गया था, पैर में ब्लड काफी निकल रहा था, ऐसा मैंने सुनने में आया था। यहाँ की जनप्रतिनिधि द्वारा भी कई बार इसको कहा गया लेकिन इसको जो है बहुत रुचि नहीं लिए, और जो कि हमेशा ये भयावह स्थिति, यही नहीं आगे भी कई जगह पे ऐसे ही पॉइंट है। हाँ। तो हमेशा जो है कोई भी कार्य अगर छोटी से छोटी कही जा रही तो अगर प्रतिनिधि नहीं कर रहा है तो मेरा जो रुद्राक्ष जन कल्याण फाउंडेशन है ये हमेशा जन कल्याण के लिए ही बनी हुई है, हमेशा तैयार है, तत्पर है। वैसे मुझे लगता है कि सर आप लोग जमीन पर काम कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसा होते हैं जो सिर्फ व्हाट्सएप फेसबुक पर ये गड्ढा है यहाँ पर है वहाँ पर, आप लोग एक तरीके से जुट गए हैं, तो मैं तो आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप जन कल्याण के लिए अपना कीमती समय जो है
जनता के लिए आप दे रहे हैं, जबकि आपको ना तो इसमें कोई प्रॉफिट हो रहा है, ना तो आपका कोई विशेष यहाँ पैसा मिल रहा है। मान लीजिए प्रधान जी करवाते हैं तो उनको प्रॉफिट मिलता है, वो बनवाते हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से मानदेय भी मिलता है, लेकिन आप लोग इतना कल्याण का काम कर रहे हैं ऐसा तो मुझे बहुत कम ही दिखता है। बहुत बहुत आभार मैं व्यक्त करता हूँ आप लोगों को।